इसका बिजनेस बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत कम पूंजी से, आपके पास 1000 रुपये हैं तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरह आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मेहनत करना है। ये बिजनेस जो है बहुत, बता तो रहा हूँ आपको, बहुत कम पूंजी से शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये बिजनेस चलने वाला है। और ये, इसको बोलते हैं क्रीम रोल, मेरे यहाँ तो क्रीम रोल बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम होता है। कितने की ये पैकेट आती है और कितना इसमें मुनाफा होता है, मतलब पूरा डिटेल्स मैं आपको आज अपने वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं ऐसी वीडियो देता हूं जो मैंने कभी नहीं बताया होता है, या फिर आपने वैसा कभी नहीं सुना होता है। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताते हैं आपको कि ये क्या चीज़ है और इसको खाने में कैसा लगता है, और ये आप कैसे इसको मतलब व्यापार करेंगे, अपने दुकान में भी रख सकते हैं यदि आपके पास दुकान है तो, नहीं तो यदि आप चाहें तो इसको फेरी लगा करके या फिर इसका होलसेल से खरीद करके और सप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्रीम रोल, क्रीम रोल मतलब बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है मतलब हर जगह पे बनता है, जैसे कि जहाँ पे भी बेकरी होगा, जहाँ पे बेकरी की भट्टी जलती है, जहाँ पे ये सब पाव रोटी हो गया, ये बिस्किट हो गया, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ पे बेकरी बनती मतलब होती है, वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पर क्रीम रोल भी बनता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह पे बनता है, लेकिन ये ज़्यादातर बनता ही बनता है। ये मेरे नज़दीकी में ही, पास में ही बनता है, यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर जो है ये बनता है। आपके यहाँ भी ये 5-10 किलोमीटर दूर में एरिया में जो है कहीं ना कहीं बनता होगा। आपको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, तलाशिएगा, ये इसको आप ढूंढिएगा, क्योंकि इसी में ही मतलब सारा कुछ है। ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। मैं एक पीस पहले निकाल करके आपको दिखाता हूँ कि आपको ये कैसा लगता है और इसमें क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ये माइक मैं अपने पास रख लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक पैकेट है मेरे पास, इसको मैंने फाड़ा है, देखिए मैं इसको भी बेचता हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली क्या बात है। खाने वाली चीज़ें देखिए, कुछ बड़ा ही इस तरीके से ये लग रहा है ना। और इसमें अंदर देखिए, ये जो आप अंदर देख रहे होंगे, शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं, इसमें अंदर क्रीम होता है। ठीक है, और ये क्रीम और इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से, ऐसे मंदिर के टाइप में आप देख सकते हैं। पास में कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हाँ, आप देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रीम रोल। ये 5 रुपये का एक पीस मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और खा के दिखाऊंगा। सच में यार बहुत मज़ा आता है खाने में, है ना, आप भी इसको खा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, खैर मैं बाद में खा लूँगा, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये बनता है वहाँ पे इसको जाइएगा, जैसे कि आप अभी इसमें कितने पीस हैं मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पीस होते हैं। ये मुझे मिलता है 45 के आसपास में, 44 या 45, मतलब 44 या 45 रुपये में मुझे मिलता है ये पैकेट, मुझे मिलता है, क्योंकि मैं रिटेलर हूँ, मैं फुटकर में बेचता हूँ। ठीक है, आप जब इसको खरीदेंगे होलसेल प्राइस है जहाँ पर ये बनता है वहाँ से लेंगे तो ये आपको और सस्ता मिलेगा। कहने का मतलब है ये आपको 40 में भी मिल सकता है या उससे भी कम में ये आपको मिल जाएगा, बड़े ही आराम से मिल जाएगा वहाँ से लाएंगे तो। अगर किसी दुकान से लाएंगे, किसी होलसेल की दुकान से लाएंगे तो, वहाँ से लाएंगे तो खैर थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन अगर आप वहाँ से लाते हैं जहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ भी आपको इस रेट में मिल जाएगा, 40 के आसपास, 2 रुपये कम या ज़्यादा, मतलब इसमें मिल जाएगा। करना क्या है आपको, आपके पास सब कुछ होता है यार, साइकिल होता है, बाइक होता है, कुछ नहीं करना है, गत्ता खरीदना है। गत्ता मतलब एक गत्ता होता है, 2 गत्ता, 3 गत्ता, जितना आप ले सकते हैं, जितना आपका बजट हो। यार 40 रुपये की एक पैकेट मिल रहा है, आप सोचो 1000 रुपये आपके पास तो कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, अगर एक पैकेट से आपको 5 रुपये भी मिल रहा है तो एक गत्ता 2 गत्ता में कम से कम यार मुझे लगता है कि कम से कम 50 तो होंगे होंगे, 50 तो आराम से आप बेच सकते हैं, क्योंकि किसी भी दुकान पर जाते हैं तो ये 10 इस तरीके से 10-10 पैकेट 8-8 पैकेट लोग लेते हैं। मैं भी मंगाता हूँ 7 पैकेट 8 पैकेट मैं भी मंगाता हूँ, मेरा छोटा दुकान है तो। अगर थोड़ा बड़ा बड़ा दुकान पर जाएंगे तो ये 10-10 पैकेट भी लोग खरीद लेते हैं। अगर एक पैकेट में आपको 10 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप सैकड़ों पैकेट को आप बेच सकते हैं और बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। एक तरीका और है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास ठेला चलाने की हिम्मत है, यार काफ़ी लोग होंगे ना जी सोचेंगे ये ठेला चलाने वाली बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, मतलब हम लोग ठेला चलाएंगे, तो ये सब त्यागी यार, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब त्यागने मतलब अंदर वो अपना रहता है ना अपने अंदर घमंड, उसको निकाल दीजिए और मेरे बात को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपके पास ठेले पे कुछ बेचने की हिम्मत है,
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि आप ठेले पे कुछ बेच सकते हैं तो एक काम कीजिएगा, इस प्रोडक्ट को लेकर के ठेले पे आप रख लीजिएगा, ठीक है, रख लीजिएगा। अब आप ये मत कमेंट में कीजिएगा कि भाई आप ठेले पे बेच सकते हो, मैं बेच सकता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हैं, बस थोड़ी सी वो घमंड होती है ना आप हम लोग के अंदर, इंसान के अंदर, अरे यार मैं ये हूँ मैं वो, उसको निकाल करके एक बार सही बिजनेसमैन बनिए, ठेले पे रख करके इसको बेचिए, बड़ा ही मतलब बिकेगा, आपके पास पूरा ऐसा ही क्रीम रोल होगा। ये बताइए कि अभी इस तरीके से कोई करता नहीं है, इस तरीके से कोई नहीं करता है, आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया है, ठीक है, नया है, सस्ता लाएंगे सस्ता बेचेंगे तो ये बिकेगा। आप ही सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए आम का सीज़न है, आम लोग बेचते हैं, या फिर लीची का सीज़न होता है, लीची लोग ठेले पे बेचते हैं, अरे थोड़ी सी मेहनत तो करनी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जीवन भर इसको बेचना है, नहीं नहीं नहीं, थोड़े दिनों के लिए, जब तक मतलब आपके पास पूंजी नहीं हो जाती है, जब तक आपका बिजनेस नहीं समझ नहीं आ जाती है, तब तक इसको कुछ दिन तक इसको आप बेचिए। तो आप किसी मंडी में जाएंगे, आपके पास ऐसा ही क्रीम रोल होगा पूरा भरा हुआ, है ना, लोग देख करके आकर्षित होंगे, आपके पास आएंगे, 5 रुपये की चीज़ है, आजकल बच्चों को लोग 10 रुपये 20 रुपये दे देते हैं खाने के लिए, स्वादिष्ट है, फ़ायदेमंद है, अच्छा क्वालिटी का होता है, सुंदर दिखता है, बच्चे भी इसको खरीदते हैं, बड़े लोग भी इसको खरीदते हैं, माताएं बहनें सभी लोग इसको देख करके, सभी लोग कहते हैं, आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, 5 रुपये की जो है ना ये मतलब कोई वैल्यू नहीं आजकल के ज़माने में, बच्चों को यार 5 रुपये से नीचे का कोई चीज़ ही नहीं मिलता है, ठीक है, ये 5 रुपये में एक अच्छा सा स्वादिष्ट चीज़ आपको दे रहे हैं, हर कोई खाता है, आप चाहें तो इसको बेच सकते हैं बड़े ही प्यार से, है ना, तो ठेले पे आप रख करके आप इसको बेचना शुरू कर दीजिए यदि आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो, ठीक है, वरना आप दुकान दुकान पे भी सेल कर सकते हैं। मैंने आपका प्राइस बता दिया आपको कि 40 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा, 60 रुपये का प्रोडक्ट है, आप फुटकर में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, अगर आप होलसेल में देते हैं तो थोड़ा कम होगा, लेकिन ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा ही मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि यार मेरी वीडियोज़ को आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं, लाइक कम कंजूसी करते हैं, लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पे, नया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है, क्योंकि 86,000 से ज़्यादा का परिवार हो चुका है और जल्द ही हमें 1,00,000 लोग मतलब पूरे करने हैं, क्योंकि मेरा भी एक ललसा यार कि वो नंबर जो है ना थोड़ा सा दिख जाए अपने को भी, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन जैसे बढ़ता गया तो लालच भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैं भी सोचता हूँ कि 1,00,000 लोग अपना फैमिली हो जाए, तो मैं कुछ और बड़ा ही सोचने वाला हूँ, मतलब करने वाला हूँ, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी बता दूँगा फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो उस समय मैं बताऊँगा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है आरके टूल ब्लॉग्स, आप उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अपने बारे में क्या क्या करता हूँ, क्या दुकान चलाता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ इस पर डालता हूँ। फिलहाल अभी तो मैंने 10-15 दिन से उस पर नहीं डाला है, क्योंकि आजकल थोड़ा मैं बिजी हो चुका हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बनाता जाऊँगा, ठीक है। और ये दुकान मैं किसी के हवाले कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं दुकान नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए सब कुछ बताने के लिए एक एक चीज़ को मतलब करने के लिए मैंने ये सब किया था और अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस नहीं आता है, आपको ये नहीं आता है, तो मुझे क्या क्या आता है यही सब दिखाने के लिए मैं आपको ये सब दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।